इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी टॉप 8 अल्ट्रा साइकिलिंग या फिर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग रेसेस है दुनिया में, जहाँ पर लोग अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को काफ़ी हद तक टेस्ट करते हैं, और काफ़ी इंस्पायरिंग है ऐसे लोगों को देखना, उनकी डेडिकेशन टूवर्ड्स या वर्क। रेस नंबर 1, टूर ऑफ द ड्रैगन। ये रेस हर साल भूटान में सेप्टेम्बर के मंथ में कंडक्ट होती है। कम्प्लीटली अनसपोर्टेड और नॉन स्टॉप रेस होती है, और ये बहुत ही फास्ट पेस रेस है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड सेट हुआ है वो 10 आवर्स 45 मिनट्स का है अप्रॉक्स, 4 to 50 किलोमीटर्स। कम्प्लीटली हाई एल्टीट्यूड रीजन पे होती है, और सितंबर है यानी भूटान में बारिश का महीना है, तो बारिश में आपको रेसिंग करनी होती है। सो दिस फर्स्ट टूर ऑफ द ड्रैगन। रेस नंबर 2, डर्टी कांजा एक्सेल। वैसे तो डर्टी कांजा के बहुत सारे वर्जन्स हैं, पर सबसे बड़ी वाली जो रेस है वो डर्टी कांजा एक्सेल है। 545 किलोमीटर्स की कुछ रेस है, और बहुत मोस्टली ये ग्रेवल रेस है, यानी पेव्ड रोड्स कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो 545 किलोमीटर्स के लिए कच्चा रास्ता, इस पर आपको जब रेस करनी है, ये हम बोल सकते हैं कि बाइक पैकिंग टाइप ऑफ रेस है विथ अ लिमिटेड सपोर्ट। यानी अगर आप रास्ते में अगर आपका कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है तो रेस ऑफिशल्स आपको हेल्प करने बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको खुद ही आपका क्रू अरेंज करना है और वो ही आपको हेल्प करने आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका क्रू आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आप साइकिल पे आगे चलते जाओगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको कॉल करके बुलाओ। सो इन दिस वे दिस रेस इज़ वेरी चैलेंजिंग। रेस नंबर 3, बाइकिंग मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये कोई रेस नहीं है, पर एक सीरीज ऑफ रेसेस है, जहाँ पर आप सीरीज पूरी कंप्लीट करते हो तो आप चैम्पियन हो सकते हो। तो यहाँ पर इनके 6 रेसेस है टोटल, और ये 6 के 6 रेस दुनिया के अलग अलग जगहों पे कंडक्ट होते हैं। तो अगर आप ये 6 सभी रेसेस कर लेते हो तो आप ऑलमोस्ट पूरा दुनिया घूम लोगे, ऐसा हो जाएगा। और इनकी एक भी रेस 850 किलोमीटर्स के नीचे नहीं है, और कम्प्लीटली अनसपोर्टेड होती है ये रेसेस, कोई भी क्रू आपके साथ नहीं होगा। और 10,000 मीटर एलिवेशन के नीचे एक भी रेस नहीं, यानी हर रेस में माउंट एवरेज इतना एलिवेशन आपको क्लाइम करना है। जैसे ही आप एक रेस कंप्लीट करते हो वैसे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और 6 रेस कंप्लीट करने पर आपकी टोटल पॉइंट्स टैली के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होता है। इस रेस का एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि जून में इनकी 1,000 किलोमीटर की रेस है, और उसके बाद तुरंत जुलाई में 1,600 किलोमीटर्स की एक और रेस। तो बैक टू बैक 1,000 किलोमीटर्स आपको राइड करना है। सो दिस इज़ वॉट वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस रेस। रेस नंबर 4, सिल्क रोड माउंटेन रेस। अभी इस रेस के नाम से थोड़ा रिमोट एरिया वाली फीलिंग आती है। तो ये रेस कर्गिस्तान में कंडक्ट होती है, और 1,800 किलोमीटर्स और 30,000 मीटर्स ऑफ एलिवेशन, यानी 3 टाइम्स क्लाइम हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इतना इस रेस का एलिवेशन है। यहाँ पर कम्प्लीटली अनसपोर्टेड है ये रेस, बाइक पैकिंग टाइप ऑफ रेस है। सो दिस इज वॉट मेक दिस रेस चैलेंजिंग। रेस नंबर 5, रेस अक्रॉस ऑस्ट्रिया। 2,200 किलोमीटर्स और 30,000 मीटर्स ऑफ एलिवेशन के साथ ये रेस भी काफ़ी चैलेंजिंग है, आपके एंड्योरेंस लेवल को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगी। इस रेस में आपके साथ अपना आपका क्रू हमेशा रहेगा एक पीछे वैन में, जहाँ पर आपकी सारी खाने पीने की ज़रूरत है, आपके कपड़े धोना, बाकी सभी चीज़ें आपका क्रू देखेगा, आपको सिर्फ राइड करना है। पर इसकी वजह से आप ये मत सोचना कि ये रेस काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि इस रेस को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 5 दिन दिए जाते हैं, और अलग अलग वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशंस, उन सबको फेस करना तो अलग। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस रेस चैलेंजिंग। नेक्स्ट रेस, टूर द डिवाइड। ये रेस के बारे में इतना ही बोलूँगा, सिल्क रोड माउंटेन रेस जो थी उसके डिस्टेंस को डबल कर दो और कम्प्लीटली अनसपोर्टेड कर दो उस रेस को, सिंपल। अगर इस रेस के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे एक लिंक दे दूंगा, उसमें डॉक्यूमेंट्री है आई जस्ट वॉन्ट टू राइड करके, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेस में लोग जो राइडर्स हैं वो किस तरह के वेदर कंडीशन से गुजरते हैं, और कितने चैलेंजेस होते हैं इस 4,400 किलोमीटर्स की अनसपोर्टेड रेस को कम्प्लीट करने के लिए। रेस नंबर 7, विच इज़ ट्रेड बुल ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम। दिस रेस इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड द हार्डेस्ट रेस इन द हिस्ट्री ऑफ
अल्ट्रा साइकिलिंग आई थिंक सो, बिकॉज ये रेस 9100 किलोमीटर्स के साथ रशिया के वेस्ट कोस्ट से लेके पूरे ईस्ट कोस्ट तक, ये उसका पूरा डिस्टेंस है। और इस रेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 25 डेज दिए जाते हैं और टोटल 15 स्टेजेस में डिवाइड की हुई ये रेस है। और हर स्टेज मिनिमम 300 किलोमीटर्स से लेके मैक्सिमम 1300 किलोमीटर्स तक की भी एक स्टेज है। और 1300 किलोमीटर की स्टेज रेस के एंड में आती है, जब आप इतने सारे किलोमीटर चला चुके हो ऑलरेडी, उसके बाद आपको एक स्टेज आएगी जहाँ पर आपको 1300 किलोमीटर चलाना है। इसको किंग स्टेज भी बोलते हैं। और हर स्टेज को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ टाइमिंग दिया रहता है। सपोज 300 किलोमीटर्स के लिए 15 आवर्स या 10 आवर्स, ऐसा पता है कुछ टाइमिंग होगा। तो उस हिसाब से उस टाइम में अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप क्वालिफाइड हो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो डिसक्वालीफाई फ्रॉम द रेस। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रेस इन द अल्ट्रा साइकिलिंग वर्ल्ड। इंडिया से डॉक्टर अमित समर्थ, इन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। आप नीचे दिए मैं डॉक्यूमेंट्री दे दूंगा, उस डॉक्यूमेंट्री हम देख सकते हो कि किस तरह राइडर्स ने राइड किया था ये रेस डिस्टेंस। और लास्ट पार्ट ज़रूर देखना। एट लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस नंबर 8, विच इज़ रेस अक्रॉस अमेरिका। ये बहुत ही फेमस रेस है, विच इज़ सिंपली, अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो 5000 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ USA टू द वेस्ट कोस्ट, दैट्स इट। दिस इज़ अ सपोर्टेड रेस जहाँ पर क्रू आपके साथ हमेशा रहेगा। पर 5000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 12 डेज दिए जाते हैं। और इसका मतलब है मिनिमम 400 टू 450 किलोमीटर्स आपको हर रोज़ चलाना है, यानी 20 to 22 hours ऑफ साइकिलिंग एवरी डे। मतलब फॉर 12 डेज यू विल गेट स्लीप ऑफ 2 hours एवरी सिंगल डे, और नॉट इवन दैट मच आई थिंक सो। सो दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट बाइसिकल रेस इन द वर्ल्ड। दिस वॉज रेस अक्रॉस अमेरिका। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किस रेस के बारे में आप और जानना चाहते हो। इन सभी रेस की डिटेल्स मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल लिखा है, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करना है, सिर्फ रेसिंग में नहीं जाना, मुझे सिर्फ साइकिल चलाना, एक्सप्लोर करना है, तो फिर आपके लिए साइकिलिंग ब्रेवेज कंडक्ट होती है इंडिया में, आप उसमें पार्ट कर सकते हो, पार्ट ले सकते हो। अगर आपको साइकिलिंग ब्रेवेज इन इंडिया के बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरे ब्लॉग पोस्ट की। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हैं।